अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट ईयर प्रैक्टिकल सेंटर के रीजनिंग क्वेश्चंस का पार्ट टू। पीसी कॉम्प्रिहेंसिव पेपर्स हैं प्रैक्टिकल सेंटर के। सवाल है हमारे पास, हाउ बाइल जूस इफेक्ट्स ऑन डाइजेशन ऑफ फूड। बाइल जूस जो होता है वो किस तरह से फूड की डाइजेशन में हेल्प करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज बाइल जूस? बाइल जूस क्या होता है? वो किस तरह का फ्लूइड होता है, एक लिक्विड होता है जो कि हमारा लिवर रिलीज कर रहा होता है। लिवर से रिलीज होके जाके गॉल ब्लैडर में सेव होता है। दोनों अलग अलग ऑर्गन्स हैं, लिवर से आपके बनता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। ये इम्पॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के हवाले से भी बच्चे इसको मिक्स कर देते हैं, तो आपने याद रखना है कि कहाँ स्टोर होता है और कहाँ से रिलीज होता है। फिर ये क्या करता है, ये फैट्स को ब्रेक डाउन करता है इंटू सिंपलर फैटी एसिड्स में ब्रेक डाउन करता है, और फिर ये हमारी बॉडी जो डाइजेस्टिव ट्रैक के थ्रू ले लेती है और डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करती है। सेकंड क्वेश्चन आपके पास कि आर्कियोप्टेरिक्स को क्यों कंसीडर किया जाता है एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मेमल्स। क्यों कहा जाता है कि दोनों के दरमियान एक कनेक्शन है? इसका आंसर मैं आपको आगे समझाया हुआ है कि आपका जो आर्कियोप्टेरिक्स होता है वो दिखने में बिल्कुल बर्ड की तरह होता है, और उसके जो विंग्स होते हैं यानी जो पर होते हैं वो भी उसके पास मौजूद होते हैं। तो ये तो बर्ड के कैरेक्टर्स हो गए, लेकिन उसके जो टीथ होते हैं और उसकी टेल होती है वो बिल्कुल रेप्टाइल्स की तरह होते हैं। अब जबकि हमें पता भी है कि बर्ड जो है वो इवॉल्व हुए हैं रेप्टाइल्स, यानी रेप्टाइल्स ने आगे एवोल्यूशन की और उनके अंदर मॉडिफिकेशन आई, देन वो बर्ड्स कहलाए। तो इसी वजह से ये कंसीडर किया जाता है क्योंकि इसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो हम ये कहते हैं कि ये एक कनेक्शन है बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। उसके बाद आपके पास आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई बर्ड्स आर कंसिडर्ड एज ग्लोरिफाइड और फेदर्ड डायनासोर्स। ये थोड़ा सा ऊपर से ही रिलेटेड क्वेश्चन है कि बर्ड्स को ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स क्यों कहा जाता है या डायनासोर्स क्यों कहा जाता है। डायनासोर्स वर ऑल्सो कंसिडर्ड रेप्टाइल्स, तो इस वजह से ये एक तो पहली बात मैंने आपको सॉल्व करवाया हुआ है फर्स्ट ईयर जूलॉजी के रिक्वेस्टेड रीजनिंग क्वेश्चंस में, उसके पार्ट वन में सॉल्व करवाया हुआ है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी। वरना नॉर्मली मैं आपको ये वाला रीजन होता है कि ये सारी चीजें ना कि बर्ड्स जो है इवॉल्व करे हैं फ्रॉम रेप्टाइल्स, इस वजह से हम उसे ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स कहते हैं, आगे सारा समझाया हुआ है। अगला सवाल आपके पास है, वाई काइनोडर्म्स आर थॉट टू बी क्लोजली रिलेटेड टू हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। आप कह रहे हैं कि आपके जो काइनोडर्म्स होते हैं उनको हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स से सिमिलर क्यों कहा जाता है? तो इसका रीजन आपके पास ये मौजूद है कि ये जो हैं बहुत ज्यादा रिलेटेड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल सिमिलैरिटीज, यानी कि इनके जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है वो बिल्कुल सेम होती है, ठीक है। और अब इसमें जो है सिमिलैरिटीज ये होती हैं कि इनका जो क्लीवेज का स्टाइल होता है वो सेम होता है, जैसे कि ब्लास्टुलेशन का पैटर्न है। व्हाट इज ब्लास्टुलेशन? जब आपका जायगोट बनता है आगे वो डिवाइड होना स्टार्ट होता है, तो उसमें छोटे छोटे बहुत सारे सेल्स बनते हैं, दैट आर कॉल्ड ब्लास्टोमेयर्स। अब वो दो एक गोल, फॉर एग्जाम्पल ये गोल इसमें बहुत सारे सेल बन गए, ये ना अरेंज ऐसे होना स्टार्ट होते हैं कि ये बीच में ना थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं और ये कैविटी बना देते हैं। इस कैविटी को हम कहते हैं ब्लास्टोसील, उस चीज को हम कहते हैं ब्लास्टुलेशन। ये चीज बहुत मिलती जुलती होती है दोनों ग्रुप्स की। उसके अलावा गैस्टुलेशन, तो तीन लेयर्स बनती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, वो वाला प्रोसेस, और ड्यूट्रोस्टोमी। ड्यूट्रोस्टोमी इज कॉल्ड कि बॉडी की पहली ओपनिंग जो होती है वो एनस बनाती है और सेकेंड ओपनिंग पर जाके माउथ बनाती है। ये चीज भी और ये सारी चीजें जो है ना ये बिल्कुल एक जैसी हैं इन हेमिकॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स एंड इकाइनोडर्म्स। इस वजह से हम इसे कहते हैं कि क्लोजली रिलेटेड। इसके अलावा जो टॉर्निया और बायपिनेरिया लार्वा होता है दोनों का, उनकी भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज्यादा मिलती होती है आपस में, चाहें तो आप वो बात भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, वाई आर बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया प्लेस इन प्रोकैरियोट्स। अब बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को हम प्रोकैरियोट्स में क्यों रखते हैं, ग्रुप प्रोकैरियोट्स में? तो आपको याद होना चाहिए कि क्योंकि दोनों ना ही प्लांट्स हैं ना ही एनिमल्स हैं, तो इस और ऊपर से सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी है, एक सेल से बने हुए हैं, प्रोकैरियोट्स हैं यानी कि ट्रू न्यूक्लियस भी नहीं है ना, मेन माउंट ऑर्गेनेल्स हैं, तो इस वजह से सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म होने की बुनियाद पर इन्हें रखा गया है इन किंगडम प्रोकैरियोटा, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो जाते हैं फर्स्ट ईयर पीसी के जूलॉजी के कॉम्प्रिहेंसिव पेपर्स। यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।